जीवन के हर पहलू के बारे में सोचना मेरे हिसाब से रचनात्मक लोगों का यही रहस्य है। क्रिएटिविटी की कुछ शर्तें हैं, जैसे ध्यान लगाना, समस्याओं का सामना करना, विरोधाभास को स्वीकार करना, हर दिन नया जन्म लेना और अपने आप को महसूस करना। इन्हीं कल्पनाओं और रचनाओं के आधार पर ही ये कुछ क्रिएटिविटी आज हमारे सामने है, जिसे सुधाकर यादव ने हकीकत का रूप दिया है। वाओ, वंडरफुल, अमेजिंग, सचमुच में मॉडल्स अनोखे हैं। दरअसल आप जहां की सैर कर रहे हैं वो जगह ही अपनी नायाब कारीगरी के लिए मशहूर है। यहां आप कार के ऐसे ऐसे मॉडल्स देखेंगे जो अविश्वसनीय हैं। बिल्कुल ये लेडीज पर्स नहीं है, ये कार है ना कि लेडीज शू। आप यहां जितने भी अनोखे डिजाइन्स देख रहे हैं वो हैंडमेड कार के नमूने हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी, जहां से अक्सर लोगों की सोच खत्म होती है कुछ खास लोग वहीं से सोचना शुरू करते हैं। हैदराबाद के सुधाकर यादव ऐसे ही एक शख्स हैं। ये सारी कलाकारी सुधाकर यादव की ही है, जिन्होंने जुगाड़ से आविष्कार कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। सुधाकर के नाम दुनिया की सबसे बड़ी ट्राई साइकिल बनाने का गिनीज रिकॉर्ड है, जो 41 फीट ऊंची है और इसके पहिए का व्यास 17 फीट है। दुनिया की सबसे छोटी डबल डेकर बस भी इन्होंने बनाई है, जिसमें 10 लोग आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा भारत की सबसे छोटी ट्रेन भी सुधाकर ने डिजाइन की है। क्रिएटिविटी तो एकदम बेटर क्रिएटिविटी यही है, ऐसा देखने के लिए कहीं मिला ही नहीं आज तक। क्रिएशन अच्छी है, मुझे लिपस्टिक वाले और वो मोतीचूर का लड्डू वाला अच्छा लगा। सुधा कार म्यूजियम यानी लगभग हर शेप और हर साइज के कारों और गाड़ियों का संग्रहालय, जहां आपको विंटेज कार भी दिख जाएंगी। इसके अलावा बाइक्स के करीब 30 डिजाइन, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग। There are so many cars, different types of cars, amazing creativity. You don't get to see usually this kind of stuff outside. So yeah, it's an amazing place. I think everyone once in their life they should visit this place. ये सुधाकर यादव के सपनों का संग्रहालय है, जिसे इन्होंने 14 साल की छोटी उम्र से संवारना शुरू किया, वो भी कबाड़ से। हालांकि इन हैंडमेड गाड़ियों को बनाने में करीब 70,000 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये गाड़ियां बिक्री के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गाड़ियों का शौक नहीं रखते लेकिन कला और कलाकारों के कद्रदान हैं, तो सुधा कार म्यूजियम की सैर कर जरूर आइए, क्योंकि ऐसी क्रिएटिविटी देखने और सराहने लायक है। क्रिएटिविटी तो बस चीजों को जोड़ना है। जब आप कुछ क्रिएटिव लोगों से पूछते हैं कि आपने कैसे किया, तो वो थोड़े शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि वास्तव में उन्होंने कुछ किया नहीं होता है, उन्होंने कुछ देखा होता है। कुछ समय बाद उन्हें अपना काम सामान्य लगने लगता है।